नॉर्मल डिलीवरी के दौरान लगने वाले टाकों की देखभाल कैसे करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। जब डिलीवरी के दौरान आपको टाका लगाया जाता है तो उसकी देखभाल आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपका टाका जल्दी से ठीक हो सके और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो नॉर्मली टाका लगभग 10 दिनों के अंदर भरना स्टार्ट हो जाता है और 6 से 8 सप्ताह के अंदर टाका ठीक हो जाता है। और देखिए, ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है, यानी कि किसी महिला का थोड़ा जल्दी ठीक हो सकता है, किसी महिला को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, आपके खान पान पर डिपेंड करता है और आपके रहन सहन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप अपने टाकों की देखभाल कैसे कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका टाका कितनी जल्दी ठीक होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि डिलीवरी के बाद आप अपने टाकों की देखभाल कैसे कर सकती हैं। तो सबसे पहला ये कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके 24 घंटे के अंदर आपको आइस पैक लगाना चाहिए। इससे आपको दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पे मांग सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं इस्तेमाल करना है या फिर नहीं। अगर वो हाँ कहते हैं तो आप आइस पैक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपको ये करना है कि डिलीवरी के बाद आपको गुनगुने पानी से नहाना है या फिर गर्म पानी से नहा सकते हैं। जितना गर्म पानी आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतने गर्म पानी से नहाइए, इससे भी आपका टाका जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा क्या करना है कि आपको गर्म पानी के टप में बैठना है। गर्म पानी इतना होना चाहिए जितना बर्दाश्त कर सकें, बिल्कुल इतना नहीं कि आप जल जाओ या इतना कम नहीं कि कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है। यानी कि ठीक ठाक गर्म पानी होना चाहिए, आपको उसमें बैठना होगा, सुबह और शाम आपको बैठना है। इससे आपका टाका बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको गर्म पानी में डालने के लिए एंटीसेप्टिक देते हैं, यानी कि कीटाणुनाशक देते हैं। उसको डालने से एक तो आपको संक्रमण नहीं होता है और टाका भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आपको सुबह शाम गर्म पानी के टप में ज़रूर बैठना है, इससे आपका टाका बहुत जल्दी ठीक होगा। इसके अलावा अगर डिलीवरी के बाद आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी, ठीक है। तो ये काम कीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं या फिर आप पोटी कर रहे हैं, पोटी करके तो वैसे आप वॉश करते हैं, लेकिन अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं, सुसू कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको गुनगुने पानी से साफ़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गंदगी लगा हुआ छोड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है और टाका जल्दी ठीक नहीं होगा और वहाँ पर गीलापन भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि गुनगुने पानी से साफ़ करना है। जब भी आप यूरिन पास कर रहे हैं या फिर पोटी कर रहे हैं, हमेशा गुनगुने पानी से वॉश करें। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको आपके टाकों को ना हमेशा सूखा रखना है, यानी कि आपका टाका गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं या फिर पोटी कर रहे हैं उसके बाद पानी लगा हुआ रह जाता है तो उससे आपका टाका जल्दी से ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा आपके टाकों में रगड़ भी आएगी जो कि आपके टाकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अपने टाकों को हमेशा सूखा रखना है। सूखा रखने के लिए आप टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो चिपक जाता है, इससे आपको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी साफ़ सुथरा और मुलायम कपड़ा आप अपने पानी को पोंछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टाके को सुखाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये कीजिए। इसके अलावा देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आपको पता ही है। तो आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन ना मैटरनिटी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, ऐसे में नॉर्मल पैड आपके काम नहीं आएगा। तो आपको मैटरनिटी पैड ही मंगवा के रख लेना चाहिए और उसी का इस्तेमाल आपको 3-4 दिन करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि मैटरनिटी पैड का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप 3 से 4 घंटे इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, एक तो इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि आपके टाकों में गीलापन हो जाएगा जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर टाइम पे आप पैड चेंज कर लेंगे तो गीलापन नहीं रहेगा, इसलिए मैटरनिटी पैड को या फिर 3 से 4 दिनों के बाद जब आपका ब्लीडिंग कम हो जाता है और आप नॉर्मल पैड का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको 3 से 4 घंटों के अंदर अपने पैड को चेंज कर लेना होगा। और आपको क्या करना है, आपके डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन दिया है उसको टाइम पे लेना है, जो ट्यूब दिया है उसको टाइम पे लगाना है, इससे आपका टाका बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा जब आपके डिलीवरी का 4-5 दिन हो जाता है ना, तो उस समय आपको क्या करना है कि अपने टाकों को ना थोड़ी देर के लिए हवा लगाना है। हवा लगाने से आपका टाका जल्दी ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में काफ़ी ब्लीडिंग होती है तो
परेशानी हो सकती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी ब्लीडिंग कम हो जाती है तो आप थोड़ी बहुत देर के लिए अपने टाँकों को खुला छोड़ दें और उस पर हवा लगने दें। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठ रहे हैं तो आपको पालथीन मार के नहीं बैठना है, ऐसे में आपका टाँका खुलने का खतरा रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको पैर सीधा करके बैठना होगा और जब भी आप बैठ रहे हैं अपने पीठ के पीछे तकिया लगा के बैठें। बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो कोई तकिया रख के अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, क्योंकि पालथी नहीं मारेंगे तो ऐसे दिक्कत हो सकती है। नहीं हो रही है तब भी आप अपने पैर को सीधा करके ही बैठें, पैर को बिल्कुल मोड़ के ना बैठें। इस बात का खास ध्यान रखिए, आपके डिलीवरी का 10 दिन पूरा हो जाता है तो उस समय आपको डॉक्टर हल्का फुल्का सुरोनी वाले व्यायाम करने के लिए कह सकते हैं, यानी कि हल्का फुल्का एक्सरसाइज बता सकते हैं। इसके अलावा आपको टहलने के लिए भी कह सकते हैं, तो 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद आप हल्का फुल्का टहल सकती हैं और आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान और रखना होगा कि आपको कब्ज नहीं होने देना है। अगर आपको कब्ज की समस्या होगी तो ऐसे में क्या होगा कि आप पोटी करते समय काफ़ी ज़्यादा जोर लगाएंगे, जो कि आपके टाँके के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसा खाना खाइए जो कि बहुत ही हल्का फुल्का हो, पचने में आसान हो, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो। इसके अलावा तब भी कब्ज है तो आप स्टूल सॉफ्टनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, इससे भी आपका कब्ज ठीक रहता है। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके टाँकों में बिल्कुल भी रगड़ नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ऐसे कपड़े पहने जिसमें कि आपके टाँकों पर रगड़ ना पड़े, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और देखिए, इस समय ना आपको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो क्या होता है कि इससे आपका पेट साफ रहता है, आपको कब्ज की समस्या नहीं होती। दूसरा ये होता है कि गर्म पानी पीने से ना आपका अंदर से सिकाई होता है, अंदर की जो मांसपेशियाँ होती हैं ना उसको मजबूती मिलती हैं और उसको आराम मिलता है, और अंदर भी घाव वगैरह हो जाता है जब बच्चा बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, तो इसी वजह से आपको ब्लीडिंग होती है, तो अंदर की जो है ना सिकाई होती है और अंदर का जो चोट लगा होता है उस पर भी आराम मिलता है। और गर्म पानी पीने से आपको मूत्राशय के संक्रमण से भी बचाव होता है, इसलिए आप जितना हो सके गर्म पानी ही पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए, और गर्म पानी कम से कम 40 दिनों तक जरूर पीजिए, ठीक है। बाकी आपको लगभग 6 वीक तक कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि 6 सप्ताह तक आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा, जैसे कि आप 6 सप्ताह तक टैम्पोन का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है और आपके टाँकों पे भी जोर पड़ सकता है। दूसरा ये करना है कि आपको लगभग 6 सप्ताह तक और हो सके तो 3 महीने तक संबंध नहीं बनाना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आपको डांसिंग नहीं करना है, जॉगिंग नहीं करना है, और आपको भारी वेट नहीं उठाना है। बहुत सारे लोग जिम करने चले जाते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, और कम से कम 6 सप्ताह तक तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आपके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, पहले की तरह हो जाएं, तो आप अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए। हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, अनाज खाइए, अंडा खाइए, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाइए, और दूध वगैरह पीजिए, ठीक है। और जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं उनसे दूरी बना के रखें। तला भुना मसालेदार भोजन मत खाइए, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और देखिए, ज़्यादातर घरों में ना डिलीवरी के बाद केपका बनाया जाता है, हमारे यहाँ केपका बोलते हैं, बहुत सारे लोग पंजीरी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू होता है, उसमें आटा, घी, बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और गर्भवती महिलाओं को उसे ज़रूर खाना होता है। तो अगर आपके घर में नियम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ज़रूर बनवा लीजिएगा और दूध के साथ उसे खाइएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि आपको डिलीवरी के बाद डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली वैसे आपको डॉक्टर डिलीवरी के लगभग कुछ दिनों के बाद रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते हैं, तो उस समय आपको जाना है। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ये है कि 4-5 दिन गुजर चुके हैं उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका टाँका खुल गया है तो आपको ऐसे कंडीशन में जाना है, टाँकों में मवाद पड़ गया है तो ऐसे कंडीशन में जाना है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको पेट के निचले हिस्से में और पीठ में बहुत ही भयानक दर्द हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि डिलीवरी के बाद टाँकों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।